हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूलिकोनाजोल क्रीम के बारे में। वैसे हमने लूलिकोनाजोल क्रीम को अपने पिछले बेलनाइटिस और फिमोसिस वाले वीडियो में भी इस क्रीम को रिकमेंड किया था। हालांकि अगर आप बेलनाइटिस या फिमोसिस जैसे प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद हमारी वो बेलनाइटिस और फिमोसिस वाली वीडियो जरूर देखें। और उस वीडियो में आप में से काफी व्यूअर्स के हमें कमेंट्स मिल रहे थे कि सर, लूलिकोनाजोल क्रीम एक एंटी फंगल क्रीम है, तो क्या इस क्रीम को हम अपने फंगल इन्फेक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसका रिजल्ट कैसा होता है। तो इसी के लिए आज की वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं लूलिकोनाजोल क्रीम के बारे में। तो पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो अब अगर हम बात करें लूलिकोनाजोल क्रीम के बारे में, तो ये एक बहुत ही अच्छी एंटी फंगल क्रीम है और कुछ मायने में ये एंटी इंफ्लामेटरी क्रीम के रूप में भी काम करती है। हालांकि ये एंटी इंफ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन पे आप इस क्रीम को कब अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको इस बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है ये लूलिकोनाजोल क्रीम। तो ये लूलिकोनाजोल क्रीम इंजाइम्स को इनहिबिट करती है, यानी ये क्रीम एर्बेस्ट्रॉल डाइमिथाइल के स्प्रेड को रोकती है। तो अगर हम बोल चाल और साफ भाषा में समझें तो लूलिकोनाजोल क्रीम जो फंगस की सेल्स होती है उसकी एक लेयरिंग कोटिंग्स होती है और उसको ये स्प्रेड करने से रोकती है और इस प्रकार से ये हमारे बॉडी से फंगल इंफेक्शंस को क्योर करती है। और इसका हमारे शरीर पे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसको अपने फंगल इंफेक्शन पे बस 2 से 3 दिन या हार्डली 4th दिन आप अप्लाई करते हैं तो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट में काफी ज्यादा एंटी फंगल क्रीम ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ज्यादातर अगर हम क्रीम के कंपोजिशंस की बात करें तो वो स्ट्रॉयडल क्रीम होते हैं। और अगर हम किसी भी स्ट्रॉयडल क्रीम से इस लूलिकोनाजोल क्रीम को कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में ये लूलिकोनाजोल क्रीम का रिजल्ट कई गुना बेहतर आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि आप किस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन पे इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस लूलिकोनाजोल क्रीम को किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो जोंक ईच हो, सीवर ईच हो, सोराइसिस हो, स्काल्प सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, थ्रश हो, नेल्स में इन्फेक्शन अगर आपको आ गई हो, अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट में रेडनेस है, उसमें इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन पे आप इस लूलिकोनाजोल क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि सर, सबसे बेस्ट लूलिकोनाजोल क्रीम कौन होता है। तो आप मार्केट में जैसे ही आप मेडिकल स्टोर पे आप इस क्रीम का नाम लेकर डिमांड करते हैं तो काफी ज्यादा ब्रांड्स आपको अवेलेबल मार्केट में दिख जाएंगे। लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं उसका मैं नाम आपको बता रहा हूं। उसमें से कुछ होते हैं लूलिफिन, लूलिश क्रीम, लूली बेट नाम से आपको मिलेगा, लूली मैक नाम से मिलती है। और इसके अलावा भी आपको मार्केट में लूलिकोनाजोल क्रीम के काफी ज्यादा ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। मेरा ये बताने का कहीं से भी किसी भी ब्रांड्स के लूलिकोनाजोल क्रीम को इंडोर्स करना नहीं है। आप अपने अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने नियर बाय स्टोर से कोई भी क्रीम को परचेज कर सकते हैं। हालांकि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये एंटी इंफ्लामेटरी क्रीम के रूप में भी काम करती है। तो ये एक ऐसी क्रीम होती है कि अगर आपके पेनिस में या ग्लांस में अगर आपको इन्फ्लामेशन आ गई है, आपके फोर स्किन में, ग्लांस में रेडनेस है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इचिंग्स हो रही है, या कई मामले में अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स में भी आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इस क्रीम की बहुत ही अच्छी पार्ट है, क्योंकि आप किसी दूसरे स्ट्रॉयडल क्रीम को अपने फंगल इन्फेक्शन पे, खासकर जेनिटल एरियाज में हो गई है या फिर ग्लांस पे या फोर स्किन पे अप्लाई करने से उनमें रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन कई बार बढ़ जाते हैं, तो इस लूलिकोनाजोल क्रीम को ऐसे भी प्रॉब्लम्स पे काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
हालांकि मैं आपको एक बार कॉशन के रूप में यह जरूर बता देना चाहता हूं कि आप कभी भी ग्लांस पे या फोर स्किन पे चाहे इस लूलिकोनाजोल क्रीम को अप्लाई करें या किसी भी दूसरी क्रीम को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार अपने हेल्थ एक्सपर्ट की राय जरूर लें। अब मैटर होती है कि आप किस प्रकार से इसको अपने फंगल इन्फेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी इस क्रीम को अपने इफेक्टेड पोर्शन में अप्लाई करने से पहले आप उस एरिया को अच्छी तरीके से साफ पानी से पहले वॉश कर लें और इसके बाद आप उसको कॉटन से या फिर कॉटन के कपड़े से पोंछकर पहले उस एरिया को सुखा लें और सूख जाने के बाद आप इस क्रीम को एक पतली लेयर्स के रूप में उस पे अप्लाई करें। अब अगर हम बात करें लूलिकोनाजोल क्रीम की प्राइसिंग कितनी होती है तो यूजुअली ये दूसरे स्टेरॉइडल क्रीम के कंपेयर में थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि अगर आप मार्केट में इसको लेने जाएंगे तो लूलिकोनाजोल क्रीम काफी ब्रांड्स की होती है और सभी ब्रांड्स में यूजुअली ये आपको 150 से लेकर 250 के रेंज में हर ब्रांड्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये क्रीम 10 ग्राम्स के ट्यूब में अवेलेबल होती है। और अब अगर हम बात करें इस क्रीम के साइड इफेक्ट की तो यूजुअली किसी भी केस में इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर आपका स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है और अगर आपको इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद बर्निंग सेंसेशन होती है या अगर आप में आपके केस में इचिंग्स बढ़ जाती है तो आप इस क्रीम को अप्लाई ना करें। तो उम्मीद करता हूं कि इस लूलिकोनाजोल क्रीम को लेकर आपके मन की सभी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में इस क्रीम को लेकर कोई सवाल हो या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू हो जिसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो इसको लेकर आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और फिर उसके बाद बगल में बन रहे बेल के निशान पर क्लिक करने के बाद ऑल का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको मिलती रहे।